गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही सतलुज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। नदी का बहाव बढ़ते ही 1500 मेगावाट की नाथपा जाखड़ी परियोजना निर्माताओं ने सतलुज नदी तट के लोगों को अलर्ट किया है। परियोजना निर्माताओं का कहना है कि कल से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया है, इसलिए बांध के रेडियल गेट खोल दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज सतलुज का जलस्तर करीब 520 क्यूमेक्स हो गया है। परियोजना की छह विद्युत उत्पादन इकाइयों को चलाने के लिए 420 क्यूमेक्स पानी की आवश्यकता होती है। बाकी अतिरिक्त पानी को बांध के रेडियल गेट खोलकर छोड़ दिया जा रहा है। इससे सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में सतलुज बेसिन के लोगों को सचेत किया जा रहा है कि नदी किनारे ना जाए और ना ही मवेशी छोड़े। नाथपा जाखड़ी और रामपुर पावर स्टेशन के महाप्रबंधक मानव संसाधन प्रवीण नेगी ने बताया कि सतलुज नदी जलस्तर कल से बढ़ने लगा है। परियोजना के जरूरत से अधिक पानी को नदी में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने सतलुज घाटी के लोगों से अपील की है कि वे नदी तट पर ना जाएं और ना ही मवेशी छोड़ें, ताकि जानमाल की सुरक्षा हो। उन्होंने परियोजना निर्माताओं द्वारा अलार्मिंग के लिए किए गए उपायों पर भी लोगों से ध्यान देने की अपील की है। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। पिछले कल से सतलुज नदी का पानी बढ़ने शुरू हुआ है और हमारा जो नाथपा में डैम है, जितना हमें रिक्वायर्ड पानी चाहिए होता है वो हम यूज़ करते हैं और उसके बाद जो पानी एक्सेस में होता है वो रेडियल गेट्स द्वारा बाहर नदी में चला जाता है। तो स्वाभाविक है, अब आगे वाले दिनों में हमें पानी बढ़ता रहेगा, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। मैं सभी से, सब जनमानस से ये अपील करता हूँ कि नदी के किनारे ना जाएं और जो हमारे ध्वनि संकेत हैं, हूटर्स हैं, उस संकेत को समझें और अगर आपने सुन लिया है तो आप दूसरों को भी अवगत कराएं, उनको भी समझाएं, ताकि हम समाज में जो सतलुज बेसिन के किनारे जो जो जाते हैं या जिनका वहाँ से वास्ता पड़ता है उनको इस खतरे से टाल सकें, क्योंकि सबकी भलाई के लिए सोचना ये हमारा कर्तव्य है, सबकी सुरक्षा के बारे में सोचना ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा SJVN सोचती है।